सीएम नीतीश कुमार ने नोखा करगढ़ और दिनारा विधानसभा क्षेत्र के लोगों को किया संबोधित। इस मौके पर राजद पर जमकर साधा निशाना, पति पत्नी की सरकार पर लगाए गंभीर आरोप। लेकिन आप सोच लीजिए एक एक जीत पर और क्या हालत थी पहले, कौन पूछता था महिलाओं, कितनी जनप्रतिनिधि होती थी, महिलाओं का सदुपयोग कहां करते थे लोग काम में, इसलिए बिहार और पीछे चला जा रहा था। और जब हम लोगों को काम करने का मौका मिला तो हम लोगों ने सबके उत्थान के लिए काम किया और महिलाओं के उत्थान के लिए जो काम करना शुरू किया, 50% का आरक्षण पंचायती राज संस्थाओं में और नगर निकायों में दिया। अरवल जिले में मधुश्रावण मेले के दौरान दिखा जीवो गरीब नजारा। विधानसभा चुनाव में स्थानीय बीजेपी प्रत्याशी दीपक शर्मा के प्रचार के लिए मनोज तिवारी का होना था आगमन। मनोज तिवारी के आगमन से पहले ही टूटा मंच। मोकामा टाल क्षेत्र में अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठे किसानों ने आंदोलन को किया स्थगित। विधानसभा चुनाव और नवरात्र को लेकर प्रदर्शन को स्थगित करने की कही बात। चुनाव के बाद फिर से प्रदर्शन की तैयारी करेंगे किसान संगठन के सदस्य। जहानाबाद के बढ़ौना गांव में पोखर में डूबने से 6 वर्षीय बच्चे की हुई मौत। स्नान करने के दौरान पोखर में डूबा बालक। कड़ी मशक्कत के बाद ग्रामीणों ने शव को निकाला बाहर। आराम में हारने के लिए बड़ी पर पता हुआ कि डूबा है शांति दिलाया। क्या करने गया था? ऐसे नहीं करके चलते नहा लिया। कहाँ का मामला है? बढ़ौना। कौन थाना? भेलावा। जहानाबाद में जदयू के प्रत्याशी राहुल कुमार के समर्थन में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लोगों से मांगा समर्थन। इस मौके पर सीएम नीतीश कुमार ने विपक्ष पर जमकर साधा निशाना। दरभंगा में विधानसभा चुनाव को लेकर आज नामांकन का आखिरी दिन। इस दौरान महागठबंधन के प्रत्याशी भोला यादव ने किया नामांकन। इस मौके पर भोला यादव ने एनडीए गठबंधन पर जमकर साधा निशाना। नजर आ रहा है कहां व्यभिचार है, सबको नजर आ रहा है क्या हुआ मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड में, सबको पता है इस तरह से सृजन घोटाला में रुपयों को बंदर बांट किया गया, सारे जनता को पता है। ऐसे बोलने वाले को जनता जवाब देगी और आने वाला जो चुनाव है उसमें इन लोगों को हाशिए पर ला करके खड़ा कर देगा।